हेलो चिल्ड्रेन, टेक आउट योर EBS बुक. ओके, माय लिविंग वर्ल्ड. ओके, चैप्टर 2, प्लांट्स अराउंड अस, पेज नंबर 1 to 12. ओके, वी हैव कंप्लीटेड दिस चिल्ड्रेन. ओके, आई हैव गिवन यू होमवर्क, यू हैव कंप्लीटेड इट वेरी नाइसली, एंड ऑल्सो वी हैव लर्न पार्ट्स एंड इट्स फंक्शन. ओके, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दिस पेज, पेज नंबर 1313. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. यू विल टेक वन पेंसिल एंड यू विल पुट इन दिस वे एंड इन दिस वे यू विल रीड. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स हैव बीन क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट कैटेगरीज. वी नाउ टॉक अबाउट दीज डिफरेंट कैटेगरीज इन सम डिटेल. ट्रीज, पहला क्या है? फर्स्टली वी आर गोइंग टू सी ट्रीज. ओके, बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. बड़े प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ट्रीज. देयर स्टेम इज वुडी एंड स्ट्रॉन्ग, इट इज कॉल्ड द ट्रंक. ओके, ये देखो, वट इज दिस? दिस इज बिग प्लांट, बिग ट्री. ओके, दिस ट्री इज कॉल्ड, ट्रीज आर कॉल्ड बिग प्लांट. ओके, एंड ऑल ऑफ यू वॉच इट केयरफुली, दिस इज वुडी स्टेम एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दिस इज कॉल्ड ट्रंक. ओके, इसका जो वुडी स्टेम है, जो बहुत स्ट्रांग होता है, उसे हम ट्रंक बोलते हैं. ओके, वी सी मैनी ब्रांचेज ऑफ अ ट्री कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रंक. देयर आर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑन द ब्रांचेज, है ना? ये देख रहे हो, ये वुडी स्टेम है ना, इसी से ढेर सारे ब्रांचेज गए हैं, जिसमें आप फ्रूट्स देखते होगे, फ्लावर्स देखते होगे, है ना? ठीक है. नाउ ट्रीज गिव शेड टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स. द रूट्स ऑफ अ ट्री एंड सॉरी आर वेरी डीप. They can therefore absorb water from deeper part of the soil. Okay, अभी क्या है? अभी summer season है ना, तो आपको बहुत गर्मी लगती है, तो आप किसकी help लेते हो? ट्री के शेड की हेल्प लेते हो ना. आपको ट्रीज क्या देता है? छाया देता है, शेड देता है. आप देखोगे शेड के नीचे आपको बहुत से एनिमल्स भी बैठे मिलते हैं और ह्यूमन बींग्स भी मिलते हैं, है ना? एंड द रूट ऑफ दिस बिग ट्रीज, ये बड़े बड़े ट्रीज के जो रूट होते हैं, ये बहुत ही अंदर होते हैं, बहुत डीप में होते हैं, है ना? इसीलिए जब हम पानी डालते हैं तो वो क्या करते हैं? वो एब्जॉर्ब करते हैं, है ना? सॉइल भीग जाता है, मिट्टी भीग जाता है, मिट्टी गीला हो जाता है, उससे क्या करते हैं रूट? रूट पानी एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है. ओके, यहाँ पर देखो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बैनियन, पीपल, नीम, मैंगो एंड कोकोनट आर सम ऑफ द ट्रीज वी सी अराउंड अस. ट्रीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स, समटाइम इवन हंड्रेड ऑफ ईयर्स. यस, ट्रीज को देखते हो ना, सालों साल तक वो जिंदा रहता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अगला क्या है? शर्ब्स. नेक्स्ट क्या है? शर्ब्स. ओके, वी ऑफन सी मैनी प्लांट्स दैट हैव अ वुडी स्टेम बट आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एंड बिग एज ट्रीज, है ना? ये क्या होते हैं? ये ट्रीज इतने बड़े नहीं होते हैं, इनका वुडी स्टेम तो होता है बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. दिस प्लांट्स लुक लाइक बुशेस विथ मैनी ब्रांचेस, सच प्लांट्स आर कॉल्ड शर्ब्स, है ना? ये झाड़ की तरह दिखता है जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? शर्ब्स बोलते हैं. शर्ब्स हैव स्मॉलर स्टेम्स ब्रांचिंग ऑफ नियर द ग्राउंड. डू यू नो शर्ब्स आर प्लांट्स विथ मल्टीपल स्टेम्स, दे कैन ग्रो मोर देन 6 meters. आप देखे होगे ना, रोज प्लांट देखे हो, उसमें देखना ढेर सारे ब्रांचेस होते हैं. हाँ, देखा होगा रोज प्लांट, है ना? रोज, बहुगेनविलिया, कॉटन, चाइना रोज एंड मेहंदी आर सम ऑफ द शर्ब्स.
वी सी अराउंड अस। आप इसे देखोगे, इसकी स्टेम वुडी होती है, लेकिन ये झाड़ में होते हैं, बुशेज में होते हैं, जिसमें बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ एग्जाम्पल में फोटोज़ भी दिए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हर्ब्स। मैनी प्लांट्स हैव थिन स्टेम्स विच आर ग्रीन इन कलर एंड आर नॉट वुडी, सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। आपने देखा है पोटैटो का प्लांट, देखा है पोटैटो का प्लांट में क्या होता है, इसके जो स्टेम होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, सारा ग्रीन कलर का होता है ना, वुडी नहीं होता है। और ये क्या होता है, ये हर्ब्स होता है, इसके पतले पतले थिन स्टेम्स होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पर लेडी फिंगर देखो, ये मिंट देखो, पुदीना। ठीक है, हर्ब्स आर जनरली स्मॉल इन साइज, दे आर ग्रोन इन अ पर्टिकुलर सीजन, दे लीव ओनली फॉर वन और टू सीजन्स एंड प्रोड्यूस देयर फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स इन दिस टाइम ओनली, आफ्टर वन और टू सीजन्स दे डाई। एक से दो सीजन्स के बाद ये क्या होते हैं, मर जाते हैं, है ना। और ये छोटे छोटे प्लांट होते हैं जिसके स्टेम्स पतले पतले होते हैं, थिन होते हैं, और कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर की स्टेम्स होती है। ठीक है ना, और ये हमें एक से दो सीजन तक फ्रूट्स फ्लावर्स प्रोवाइड करती है, उसके बाद क्या होता है, ये मर जाते हैं। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल वीट राइस सनफ्लावर टोमेटो मिंट एंड लेडी फिंगर आर सम ऑफ द हर्ब्स दैट वी सी अराउंड अस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लाइंबर। क्लाइंबर, ये क्लाइंबर क्या है, मैम ने बार बार बताया था, हम ये सीढ़ी है, इसमें हम ऐसे चढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, क्लाइंब कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यही ये प्लांट करता है। सम प्लांट्स हैव वीक वेरी वीक एंड थिन स्टेम्स, दे कैन नॉट स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन, दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप, सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। देख रहे हो ना, इन प्लांट्स को किसी का हेल्प चाहिए खड़े होने के लिए, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीज ग्रेप्स एंड मनी प्लांट्स आर सम ऑफ द क्लाइंबर्स दैट वी सी अराउंड अस। ओके, एग्जाम्पल में क्या है, मटर का पौधा है, अंगूर का है, ये सारे क्या है, ये खुद खड़े नहीं हो सकते क्योंकि इनकी स्टेम वीक होती है, ये दूसरों के हेल्प के थ्रू स्ट्रेट खड़े होते हैं क्लाइंब करके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्रीपर। सम प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड स्प्रेड देयर ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ, दे ऑल्सो हैव थिन एंड वीक स्टेम्स, वी कॉल देम क्रीपर। देखो ये क्या है, ये खड़े भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनकी स्टेम जो है वो थिन भी होती है और वीक भी होती है, ये ग्राउंड में स्प्रेड कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन पम्पकिन कुकुम्बर स्ट्रॉबेरी बिटर गार्ड मस्कमेलन एंड ग्रासेस आर सम ऑफ द क्रीपर्स। ओके, क्रीपर्स जो ग्राउंड में स्प्रेड हो जाते हैं, उनके ब्रांचेस ग्राउंड में स्प्रेड हो जाते हैं और हमें वहीं से वो फ्रूट फ्लावर्स देते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज कीवर्ड्स, मैंने ये डिस्कस किया है क्लास में, है ना, इसे आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख कर लर्न करोगे। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ योर पेंसिल रीड द चैप्टर नाइसली, कहीं भी प्रॉब्लम होगा यू मे आस्क विथ मी। ओके चिल्ड्रेन, नाउ टिल देन बाय बाय।